अल मुतलक यजरी अला इतलाक ही। इंदा माना होता है कि जेरी इबादत दा अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल टाइम मुकरर न करे उ जेरले करो जाए। अल्लाह फरमाए या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। अल्लाह फरमाए ईमान वालों अल्लाह दा जिक्र कसरत नाल करो। कोई टाइम इहो जिया है जेरले अल्लाह दा जिक्र नाजायज़ होवे। जेरले अल्लाह दे नाम दी तस्बीह पढ़ो हर वेले जायज़ है, फजर शाम हर वक्त जायज़ है। लिहाजा जी ने खुदा दा जिक्र हर वेले जायज़ है। मोहम्मद मुस्तफा दा जिक्र ही अल्लाह फरमाए सल्लु अलैहि व सल्लमु तस्लीमा। उंदे वास्ते भी अल्लाह टाइम नहीं दसा, अल्लाह खुली छुट्टी दीती है। जेले मर्जी अपने तबीब की जात ते दरूद व सलाम पढ़ो, खाजान को पहले पढ़ो, खाजान को बाद पढ़ो, फजर को पढ़ो, शाम को पढ़ो, जेले भी पढ़ो, अल्लाह ताला अजर ते सवाब अता फरमाए। इस वास्ते ए इवें मसले हिन जेले सदियां दे हिन किताबां इनां नाल भरियां पईयां, पुराने मुहद्दिसीन अपनी किताबां च लिख गए। लेकिन एक किस्मत दी गल है, एक किस्मत दी गल है, जो कहंदे हिस्से च नबी दी शान सोना मनाया है ते कहंदे हिस्से च नबी दी शान घटा मनाया है। देखो ना, मक्के दे मुनाफका नबी पाक दे इल्म ते इतराज कीता अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यालमु अन्नहु यालमुल गैब। उन्हां हुजूर दे इल्म ते इतराज कीता, अल्लाह ताला जवाब दिता है। इतराज कहे कीता है मुनाफका, जवाब कहे दिता है अल्लाह ताला। मुनाफिक हुजूर दी शान घटेना घटेंगिया ते अल्लाह अपने हबीब दी शान वधेंदा आई। लिहाजा आज भी देखो जा एक पासो नबी पाक दी शान ते इतराज थीन ते मैं पासो उदे जवाब आने। एक मिंबर तू रसूलुल्लाह दी शान ते इतराज थी जाए ते मैं मिंबर तू रसूलुल्लाह दी अजमत दा इजहार थी जाए। वासे किस्मत दे मदार है साडे हिस्से च अल्लाह ताला दी सुन्नत है जो अल्लाह ही यार दी शान वढें दे ते सुनिया दे मिंबर ही खुदा ते उंदे महबूब अल इस्लाम दी शान बयान करण आले। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात ग्रामी ते दरूद व सलाम पढ़ना कई किताब विच नहीं लिखा या नजायज है। मैं आखिरी गल है, तकरीर खत्म है, किताबों के इतने हवाले इन्हें किबला हुजूर गौस पाक की औलाद की बरकत के नाल सारिया किताबों लाइब्रेरी किताबों भरी खड़ी है ते ये अजान वाले मसले भी लिखे पे। मैं सारा अपना अज जलसा हूँ जलसा असल मुश्ताक भाई नाल मोहब्बत है, मेरे उस्ताद भाई भी हिंद ते उन्होंने को फोन किया मैं आ गया दूजी त्रीजी बार एक मैं को जगा रहे जलसे के इंतजाम ही चाहे रात ही सारी रात लगे रहे। हूँ भी एक तो जगाने की वजह मेरा सिर दुखता पे आवाज बैठा पे मैं आज ये एक किताब आई में मेरे हफ्ते आ गए निक दे ये किताब आनी। लेकिन वक्त भी मैं चली चौथी पंजवी सदी हिजरी तू इतनी किताबों के नाम चैन भी उन्होंने लिखा पे नबी पाक की सलाह जैसे हूँ वेंदे मैं फकीर तुसा खुटिया ना इो सनिया दी मैं ना जो वला कोई मौलवी आवे ना तो वह आखे नबी की सलाह नजायज है उको मेरे सलाम ही दिवाए ਉਹ ਕਹੇ ਬਾਰਵੀਂ ਸਹਿਬਾ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਈ ਗੱਲ ਰਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਪਿਆ ਜੋ ਨਬੀ ਦਾ ਸਲਾਤ ਅਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ੇਦੋ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਤਾ ਕਿਤਾਬ ਅਸਾਬ ਬੋਲੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਛੜਾਉ ਨਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਪਿਆ ਜੋ ਅਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਲਾਤ ਉਸ ਸਲਾਮ ਪੜਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਲੇ ਨਾ ਅਜਾਓ ਆਲਮ ਪੈਦਾ ਤੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਲਾਤ खुदा के जिनको अजीम कहता मकान उनका बड़ा बड़ा कर उन्हीं की अजमत बता रहे हैं उन्हीं के नारे लगा लगा कर। खुदा ने उनको उलूम बख्शे है गुर में अपने बुला बुला कर आया है उन पे वो जर्रा जर्रा रखो जिसे तुम छुपा छुपा कर। सिमट के सारी जमीन आई बनी हथेली पे मिसल आई सहाबा ने भी ये दी गवाही जहां में टंके बजा बजा कर। ये छोटी मोटी जमातें क्या हमारी गैरत दबा सकेंगी हमें मुजद्दिद खैराबादी ने हुर बनाया पढ़ा पढ़ा कर। बस शर्त किया ये फरमाया कि जिस चीज की आज जरूरत है वो सुन्नी की बेदारी है। घर जाग गया ये सुन्नी तो फिर हर ताकत पे भारी है नाकाम है गहरे सदमे भी तेरी गहरी नींद
उड़ाने को उठ बांध कमर क्यों सुस्ती सी तेरी सोच पे अब तक तारी है। बिला ताखीर मैं तिलावती कर